Assalamualaikum, students of class 5, how are you? Students, today is our 13th lecture of SST. In the last lecture, we started a new chapter, that was chapter number 3, Life in Deserts and Forest Region. And we learned about the cold and hot deserts, the polar deserts, the cold deserts, that were the polar deserts, then the subtropical, continental and coastal deserts, and about the climatic conditions in hot and cold deserts. Today we are going to learn some new things like the land, landforms in deserts, the vegetation, animal and the life of people that live in deserts. So open up page number 16 of your book. Let us start from the land. About 1/5 of the earth's land surface is desert. 1/5 मतलब अगर 5 portions किए जाएं पूरी earth के तो उसमें से 1 portion जो होगा ना वो deserts पे consist करता है. But not all the deserts are sandy, some are rocky. मतलब rocky means कि rocky deserts भी होते हैं, like this picture. ये बड़े बड़े rocks जो होते हैं ना ये form हो जाते हैं और deserts बन जाते हैं. तो इनकी deserts के form होने की reasons क्या होती हैं? Some deserts are caused by too much cultivation. बहुत ज़्यादा जहाँ पर काश्तकारी की जाती है, agriculture बहुत ज़्यादा जिस land पे की जाती है और उसमें artificial fertilization नहीं की जाती, वो ही जो ज़मीन है उसी के ऊपर फसलें उगाए जा रहे हैं बार बार साल साल से और कोई उसके nutrition की कोई काम नहीं कर रहा है उसके ऊपर, तो फिर वो naturally वो जगह जो होती है ना वो barren हो जाती है, बंजर हो जाती है वो ज़मीन. When good fertile land is used for too long, too many trees are cut down and all the water is used up, land becomes barren. Barren hota hai banjar. Banjar zameen jo hoti na, that is barren land. And unproductive, matlab phir uske par fasal nahi ug sakti, unproductive ho jata hai. Deserts are also created when grazing animals eat up all the vegetation and land gradually becomes barren. जहाँ पे बहुत ज़्यादा जानवरों की ग्रेजिंग की जाती है, उनको चराई के लिए लेके जाते हैं जानवरों को बहुत ज़्यादा जिस लैंड में, वहाँ भी बैरन हो जाता है वो लैंड भी ना, उसके ऊपर जानवर फिर फिर के और रोज़ाना जितनी जड़ी बूटियाँ सूखी घास सब चीज़ें वो खा लेते हैं, तो वो नेचुरली बिल्कुल बैरन हो जाता है लैंड. द ड्राई सॉइल इज ब्लोन अवे बाई विंड एंड प्लांट्स कैन ग्रो नो लॉन्गर. मतलब वहाँ पे पौधे नहीं उगते और वहाँ मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी बन जाती है वहाँ की ज़मीन और वो हवा के साथ उड़ने लगती है. इन सैंडी डेजर्ट्स द सैंड इज नॉट ऑलवेज फ्लैट. अब आपको ये पता है ना सैंड बिल्कुल प्लेन एक लेवल पे तो नहीं रहेगी. क्रीसेंट शेप ड्यून्स आर फॉर्म्ड बाय द विंड. ये किस तरह होता है, आपने नॉर्मली डेजर्ट्स को देखा ही होगा, ये क्रीसेंट शेप के ड्यून्स बन जाते हैं, उसमें लहरें टाइप की बन जाती हैं जैसे समंदर में पानी की लहरें होती हैं, उस तरह डेजर्ट में जो सॉफ्ट सैंड होती है सारी वो हवा के साथ विंड की साथ साथ ड्यून्स बन जाते हैं उसमें. एंड इन द मिडल ईस्ट देयर आर ड्राई रिवर बेड्स कॉल्ड वादी. अब ये ड्राई रिवर बेड्स कौन से होते हैं, मिडल ईस्ट में जो कोई रिवर्स वगैरह सूख गए हैं और उनका एक पैसेज बना हुआ होता है थोड़ा सा डीप पैसेज बना हुआ होता है उसको वादी या रिवर बेड बोलते हैं. ठीक है, जैसे ये है, अब यहाँ पे ऊपर सारी सैंड है, ठीक है, और ये गहरी एक जगह बन गई जहाँ से किसी ज़माने में रिवर गुजरा करता था और अगर अब भी कोई रेन या थोड़ी सी कोई बारिश वारिश का या पानी का गुजर होता है तो वो इसी जगह से होता है, इसलिए यहाँ पर ट्रीज भी आपको नज़र आ रहे हैं. ठीक है ना, तो ये एक थोड़ा सा डीप एरिया होता है जिसको वादी या रिवर बेड बोलते हैं और ये जो है ना बिल्कुल ड्राई रिवर बेड होते हैं, लेकिन जब बारिश हो यहाँ पे पानी आ जाता है बहुत जल्दी, सब तरफ से बह के गहरी साइड पे आता है ना पानी. इफ देयर इज एनी रेन एट ऑल द वादी कैन फ्लड विद इन मिनट. मतलब अगर जरा सी भी बारिश हो तो इस वादी में पानी इकट्ठा हो जाता है फौरन, इसीलिए यहाँ पे जरा सा ग्रीन पोर्शन भी आपको नजर आ रहा है. ओके जी, कम टू पेज नंबर 17. इसमें आपको पिक्चर्स दिखाएंगे डिफरेंट, एक तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपको रॉकी डेजर्ट की पिक्चर है, फिर सैंडी डेजर्ट है और नीचे ओएसिस की पिक्चर है. ओएसिस आई होप आप लोगों ने फोर्थ क्लास में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट किया होगा. तो ओएसिस क्या चीज़ होती है, लेट अस रीड. समटाइम्स इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट देयर इज अ सोर्स ऑफ वाटर, परहैप्स इट इज अ स्प्रिंग, या तो कोई चश्मा आबशार होती है या इट्स अ वाटर होल, या ज़मीन में से कहीं से पानी खुद ब खुद निकल के वहाँ पे जमा होने शुरू हो जाता है.
ट्रीज सच एज डेट पाम, ये डेट पाम्स जो होते हैं डेजर्ट के स्पेशल ट्रीज होते हैं, एंड अदर हार्डी प्लांट्स, मतलब और कौन से प्लांट्स वहाँ पे होते हैं, अभी हम आगे वेजिटेशन में पढ़ते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है ना, जो टफ प्लांट्स होते हैं ना, वो ओएसिस के करीब ग्रो कर जाते हैं नेचुरली, क्योंकि वहाँ पे पानी अवेलेबल हो गया है. ऑफन स्मॉल सेटलमेंट फॉर्म्स अराउंड द स्प्रिंग, और कुछ लोग वहाँ के आबाद हो जाते हैं. आपको पता है डेजर्ट के जो लोग होते हैं बेचारे नॉमैड्स होते हैं, जिनको ज़्यादा खाना बदोश खा जाता है, वो अपने ट्रैवल करते रहते हैं, अपने कैमल के ऊपर सारा उनका सामान होता है, उनके टेंट्स होते हैं, उनके हर्ड साथ जानवर उनके साथ साथ होते हैं, उनकी फैमिलीज होती हैं, वो सब कुछ अपने साथ कैरी करते रहते हैं. जहाँ उनको पानी थोड़ा सा सब्जा वेजिटेशन नज़र आती है उनके जानवरों के लिए और अपने लिए, वो वहीं अपने टेंट्स लगा के रहने शुरू हो जाते हैं, उधर ही आबादी बना लेते हैं. तो उनको नोमैड्स बोलते हैं अरेबिक लैंग्वेज में ना, नोमैड्स जिनको बेदुइंस कहते हैं, या फिर उनको खाना बदोश लोग कहते हैं हम लोग उर्दू में. सो सच एरिया इज कॉल्ड एन ओएसिस, ऐसी जगह किसी डेजर्ट में जहाँ पे अल्लाह की तरफ से एक नेचुरल स्प्रिंग छोटी सी बन जाए, या एक नेचुरल वाटर सोर्स बन जाए, जमीन में से फूटने लगे पानी, वाटर होल बन जाए और वहाँ पे एक जमा हो जाए, तो उसके इर्द गिर्द जो थोड़ी सी वेजिटेशन आ जाती है, और जो थोड़ा सा उसके इर्द गिर्द, जैसे ये आपको एक, ये तो इमेजनरी से पिक्चर लग रही है, इतना ज़्यादा प्लांट टाइप का नहीं होता है, लेकिन ओएसिस इसी तरह का होता है कुछ ना, कि बीच में पानी का होता है, तो साइड पे वेजिटेशन आ जाती है और लोग वहाँ के आबाद हो जाते हैं नोमैड, तो अपने जानवरों के लिए पानी मिल जाता है उनको और अपने लिए भी. सो दिस इज कॉल्ड एन ओएसिस. ओके, नाउ कम टू द वेजिटेशन ऑफ द डेजर्ट, कि वहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स होते हैं. डेजर्ट प्लांट्स हैव अ फ्यू लीव्स एंड थिक फ्लैशी स्टेम्स. आपको पता है, मैं आपको जिन्हें पिक्चर्स दिखाती हूँ, इस तरह के होते हैं. ये कैक्टस की डिफरेंट काइंड होती हैं, या डेजर्ट वेजिटेशन होती है ड्राई, तो इनकी इस तरह की फ्लैशी होती है, बहुत ज़्यादा स्टेम्स कम होती हैं ना थोड़ी सी कैक्टस में. ओके जी, डेजर्ट प्लांट्स हैव फ्यू लीव्स, थिक फ्लैशी स्टेम्स. दीज प्लांट्स आर यूजली स्पाइनी, कांटे होते हैं इनके पास, स्पाइनी होते हैं ज़्यादातर. द थिक स्टेम स्टोर वाटर एंड स्पाइन प्रिवेंट डेजर्ट एनिमल फ्रॉम ईटिंग द प्लांट. अब ये जो इनकी थिक सी स्टेम होती है ना, मोटा सा फ्लैशी सा इनका पार्ट होता है स्टेम पार्ट, तो इसके अंदर ये अपना वाटर स्टोर कर लेते हैं, और इनकी रूट्स नीचे गहरी जमीन तक जारी होती हैं, जहाँ से ये पानी लेके, और रूट्स बहुत गहरी होती हैं और ऊपर से प्लांट सरफेस पे कम होता है, छोटा होता है, तो ये वहाँ से पानी लेकर और अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं. द रूट्स ऑफ द डेजर्ट प्लांट स्प्रेड वेरी फार इन सर्च ऑफ वाटर, बहुत दूर दूर तक गई होती हैं. हाउ एवर दे डू नॉट यूजली गो वेरी डीप, बहुत गहरी नहीं जाती, लेकिन दूर दूर तक स्प्रेड हुई होती हैं पानी के सर्च में, सो दैट वेन इट रेन द रूट्स कैन एब्जॉर्ब द वाटर बिफोर इट सोक्स इन द ग्राउंड. कि जैसे बारिश हो जाए तो रूट्स जल्दी से उसको एब्जॉर्ब कर लेती है पानी को, इससे पहले कि वो जमीन में एब्जॉर्ब हो जाए ड्राई जमीन में. ओके जी, ये डेजर्ट वेजिटेशन और कैक्टस की एक पिक्चर आपकी बुक में दी हुई है पेज नंबर 17 पर, तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह डेजर्ट में कहीं कहीं जो है ना स्टेम वाले ज़्यादातर प्लांट्स हैं, इनकी लीव्स नहीं है, बहुत ग्रीन नहीं है, बहुत फ्रेश लुक्स नहीं है, तो ये वहाँ के एनिमल्स के लिए अल्लाह ताला ने एक जो है ना बहुत बड़ी नेमत दी होती है कैक्टस वगैरह के और इस तरह के प्लांट्स के, वहाँ पे बेचारे जो जानवर अवेलेबल हैं वो इनको खा के जिंदा रहते हैं. ओके जी, नाउ कम टू द एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स इन डेजर्ट. डेजर्ट्स मे बी ड्राई एंड अनवेलकमिंग फॉर पीपल, लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह नहीं है रहने के लिए, बट दे आर नॉट विदाउट एनिमल लाइफ, लेकिन वहाँ के लिए भी अल्लाह ताला ने स्पेशल एनिमल्स बनाए हैं, जो कम वाटर के साथ और कम खुराक के साथ और बहुत ड्राई और बहुत वार्म वेदर में भी सर्वाइव कर सकते हैं. उसके लिए भी अल्लाह ताला ने जानवर बनाए हैं वहाँ के लिए भी, जैसे पोलर रीजन्स में पोलर बेयर्स और इस तरह के एनिमल्स बनाए हैं जो इतनी शदीद ठंड में भी सर्वाइव कर लेते हैं. लिजर्ड, अभी थोड़े से एनिमल्स इनको अंडरलाइन कर लें, लिजर्ड होती हैं, स्नेक, स्कॉर्पियन, फॉक्सेज होते हैं, जर्बोज होते हैं, हेजहॉग्स हैं, इंसेक्ट्स और कुछ बर्ड्स भी होती हैं लिव इन द डेजर्ट. और ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट्स में कैंगरूज और वॉलबीज भी होते हैं. कैंगरूज थोड़े बड़े साइज के होते हैं, ह्यूमन साइज के बड़े से होते हैं, आपने देखे हुए हैं, और वॉलबीज जो होते हैं ना, छोटे छोटे से कैंगरूज होते हैं. हमारे लाहौर जू में भी
जो इसका राइनो वाला जो है बाउंड्री, उसके फ्रंट पे बिल्कुल वॉलबीज का केज है, छोटे छोटे से कैंगरूज होते हैं बड़े क्यूट से वॉलबीज, कभी आप पर गुजर हो तो जरूर देखिएगा वॉलबीज को। अच्छा जी, ये एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट आ गए। इन द थर्ड अरेबियन एंड सहारा डेजर्ट कैमल्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल। आपको पता है कैमल को कहा जाता है, कैमल इज ऑल्सो नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको इस तरह की एक नेचुरल इसका पाँव का शेप बनाया कि डेजर्ट में जितनी भी ज्यादा सॉफ्ट सी वो हो ना, सैंडी सा स्पेस हो, सरफेस हो, तो ये उसके ऊपर बड़े आराम से मूव कर लेता है, इसके स्प्रेड हो जाते हैं पाँव, नीचे रखते हैं तो अंदर जाते नहीं है सैंड में ना इसके पाँव, तो नेचुरली अपने अपना वेट और सब चीजें अपने ऊपर का सारा वेट भी बैलेंस कर लेता है। तो इसको डेजर्ट में मूव करने के लिए अल्लाह ताला ने स्पेशली बनाया है कैमल को। तो थार अरेबियन और सहारा डेजर्ट में कैमल्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स। कैमल इज ऑल्सो नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट कैन ट्रेवल फॉर मेनी माइल्स अक्रॉस द सैंड, बहुत दूर दूर तक रेत में ट्रेवल कर लेता है बड़े आराम से। इट कैन स्टोर वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये भी इसकी एक क्वालिटी है कि इसके अंदर पानी पी के ना, इसके जो हम्स होते हैं उसमें पानी स्टोर करने की एक अल्लाह ताला ने फैसिलिटी बनाई हुई है कि ये बहुत दिनों तक के लिए पानी इतना सारा पी लेता है फिर उसको स्टोर कर लेता है। अच्छा जी, एंड इट्स फ्लैट पैडेड फीट डू नॉट सिंक इन टू द सैंड, वो डूबते नहीं है, अंदर नहीं जाते हैं उसके ना, सैंड के ऊपर ही वो रखता है पाँव और उसके यूं करके स्प्रेड हो जाते हैं रेत के ऊपर, अब अपना वेट उनसे बैलेंस कर लेता है, अंदर नहीं चले जाते पाँव उसके रेत में। इट्स लॉन्ग आई लैशेज प्रोटेक्ट इट्स आईज फ्रॉम सैंड, क्योंकि सैंड के अगर उड़ उड़ जाए, सैंड स्टॉर्म आ जाए, डस्ट ज्यादा हो, तो उसकी इतनी लंबी लंबी अलावा में आई लैशेज बनाई है कि वो उसके आईज को कवर कर लेती हैं। इट कैन ऑल्सो क्लोज इट्स नोस्ट्रिल्स, वो अपनी नाक को भी क्लोज कर सकता है, अपने नाक के होल्स को, टू कीप द सैंड आउट, अगर डस्ट स्टॉर्म हो जाए, इन केस ऑफ डस्ट स्टॉर्म उसकी आईज और नोस्ट्रिल्स से वो अपने आप को सेफ रख सकता है, नोस्ट्रिल्स को भी अपने क्लोज कर लेता है। अच्छा जी, इन दीज वेज इट इज अडेप्टेड टू द लाइफ इन डेजर्ट, इस तरह वो वहाँ पे रहना उसके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, अल्लाह ताला ने उसको स्पेशल बहुत सारी क्वालिटीज दी हैं टू बी एन एनिमल ऑफ द डेजर्ट। ओके जी, नाउ कम टू द ह्यूमन पॉपुलेशन। अच्छा, ये डबल हम्प वाला जो कैमल है, इसकी आपको पिक्चर दी हुई है उन्होंने राइट हैंड साइड पर, हमारे लाहौर जू में भी डबल हम्प वाला कैमल भी है मौजूद, आपने अगर किसी ने देखा हो तो, लामा की साइड पे और ऑस्ट्रिच जहाँ पर है वहाँ डबल हम्प वाला कैमल भी है, स्पेशल होते हैं कैमल्स। ओके जी, द ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ डेजर्ट रीजन इज वेरी लो, ऑफकोर्स वहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं। अच्छा, क्यों कम होती है वहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट नंबर वन, लैक ऑफ वेजिटेशन नंबर, वेजिटेशन एंड वाटर नंबर टू, एंड द मोस्टली अनडेवलप्ड लैंड, अनडेवलप्ड होता है जाहिर है, आपने देखा है डेजर्ट में ना कोई बिल्डिंग्स हैं, ना स्कूल्स हैं, ना हॉस्पिटल्स हैं, ना रोड्स हैं, तो अनडेवलप्ड होने की वजह से किसी किस्म की भी ह्यूमन फैसिलिटी उनको नहीं मिलती, ना वाटर की फैसिलिटी है, ना सैनिटेशन की फैसिलिटी है, ना वॉशरूम्स हैं, तो वो अनडेवलप्ड होने की वजह से लोग वहाँ पे बिल्कुल नहीं रहना चाहते, डू नॉट अट्रैक्ट पीपल टू सेटल देयर, वहाँ रहना नहीं चाहते, गुजरते गुजरते ओएसिस वगैरह हो तो वहाँ पे बेदुइंस और ये सारे सारे रुक जाते हैं, नॉमैड थोड़े अरसे के लिए रह भी जाते हैं लेकिन वो ट्रैवल करके निकल जाते हैं, परमानेंटली डेजर्ट में लोग बहुत कम रहना चाहते हैं। मोस्टली नोमैडिक ट्राइब्स, जो बहुत कबीले ट्राइब्स होते हैं, कबीले ठीक है ना, जो खानाबदोश कबीले होते हैं, लाइक द बेदुइन, बेदुइन इन अरेबिक, अरेबिक में उनको बेदुइन बोलते हैं ठीक है ना, और टॉरेग इन वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा में उनको टॉरेग बोलते हैं, और बुशमैन ऑफ द कालाहारी, बुश कालाहारी लैंग्वेज में उनको या कालाहारी एरियाज में उनको बुशमैन बोला जाता है, लिव इन दीज एरियाज। अब ये डिफरेंट तरह के जो लोग आपको तीनों तरह के बताए हैं कि जैसे अरेबिया में इनको बेदुइंस कहा जाता है ठीक है जी, और टॉरेग इन वेस्टर्न सहारा कहा जाता है, और बुशमैन ऑफ कालाहारी, तो ये तीनों भी आपने पॉइंट्स याद रखने हैं। और आई थिंक दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन ऑल्सो। ओके ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर फॉर टुडे, एंड योर होम असाइनमेंट इज क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई इज द पॉपुलेशन ऑफ डेजर्ट रीजन सो लो। अभी हम लोगों ने बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ में पेज नंबर 16 पर यही नहीं, आई एम सॉरी, इट वॉज पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 पर हमने यही डिस्कस किया, दिस लास्ट पैराग्राफ
जी ये जो पॉपुलेशन ऑफ डेजर्ट है, ह्यूमन पॉपुलेशन एक क्यों लो है? द ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ डेजर्ट इज वेरी लो बिकॉज आप ये आगे ना इसको आप पॉइंट्स में दे सकते हैं, ठीक है? और जरूरी नहीं है कि आप ये बुक वाले पॉइंट्स दें, यू कैन राइट योर ओन पॉइंट्स ऑल्सो, लाइक द क्लाइमेट इज वेरी हार्श, देर इज नो वेजिटेशन, देर इज नो वाटर एंड द लैंड इज अनडेवलप्ड, देर आर नो स्कूल, देर आर नो रोड, नो सैनिटेशन, नो वाटर फैसिलिटी, नो हॉस्पिटल्स एंड एवरीथिंग. सो यू कैन राइट एटलीस्ट, यू हैव टू राइट एटलीस्ट 5 पॉइंट्स दैट वाई द पॉपुलेशन ऑफ डेजर्ट इज लो. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टूडे. अल्लाह हाफिज़.